हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 11th ऑफ अक्टूबर 2019 के। हम चलते हैं अपने फर्स्ट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, एक एयरक्राफ्ट जिसमें कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, तो एक एयरक्राफ्ट विद मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉर प्रेसिडेंट, पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये इंडिया को मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। तो ये न्यूज है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी तक यूजुअली ये तीनों जब ट्रैवल करते हैं, स्टेट रन एयर इंडिया के प्लेन से। तो कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी यूरोपियन कंट्री जाना होता है, यूएस जाना होता है, या फिर दुनिया में कहीं भी जाना होता है, तो वो एयर इंडिया जो हमारी कंट्री की नेशनल कैरियर है, एयर इंडिया के प्लेन में जाते हैं। सेम गोज फॉर प्रेसिडेंट और सेम गोज फॉर वाइस प्रेसिडेंट। पर अब एक स्पेशली मॉडिफाइड प्लेन जो कि बोइंग कंपनी का होगा, अगर आपको मैं पूरा मॉडल बताऊं तो बोइंग 777-300ER वो एयरक्राफ्ट होगा। बोइंग आपको पता है दुनिया की बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो बोइंग के डैलस में जो उनकी फैक्ट्री है, वहां पर इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है इंडिया के लिए, और ये न्यू दिल्ली मतलब कि इंडिया आ जाएगा नेक्स्ट ईयर बाय जून मंथ। ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन इसमें एक स्वीट होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर जो भी वीआईपी इसमें ट्रैवल कर रहा है उसमें वो रहेंगे। इसमें काफी सारे फीचर्स होंगे, जैसे ये जैम कर देगा एनिमी के रेडार्स को, उसके अलावा ये जो हीट सीकिंग मिसाइल होती है, उसको डाइवर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कोई भी एयरक्राफ्ट इंजन पे चलता है तो इंजन पे काफी हीट निकलती है, तो ये मिसाइल हीट को अट्रैक्ट करती है, हीट की तरफ को जाती है। पर ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें एक ऐसा सिस्टम होगा कि कोई भी अगर मिसाइल इस प्लेन की तरफ को लॉन्च की जाएगी तो उसको वो डाइवर्ट कर देगा। ये जो एग्रीमेंट है पूरा इंडियन गवर्नमेंट और बोइंग के बीच में, इसकी टोटल कॉस्ट है $190 मिलियन। ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट दुनिया के जो हम कहते हैं सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी दुनिया के, यूएस के प्रेसिडेंट जो इस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, वो भी बोइंग ने ही अपग्रेड किया उसको, जो कि है बोइंग 747-200B। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, इसको डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया फॉर दी ₹1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन कच्छ गुजरात। जो कच्छ गुजरात में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट होगा जिसकी वैल्यू होगी ₹1400 करोड़, उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। सबसे पहले देखते हैं कच्छ है कहां पर। तो ये इंडिया का मैप है, बेसिकली इंडिया का कमर्शियल एयर स्पेस है। तो इंडिया का दो तरह के इंडिया में आपको एयर स्पेस दिखेंगे, एक कमर्शियल और एक डिफेंस एयर स्पेस। तो जम्मू कश्मीर के काफी सारे एरिया जो कि पीओकी में अपने अक्सर चिन्ह आते हैं, वो हम अपने कमर्शियल एयर स्पेस में उसको काउंट नहीं करते। तो इस कमर्शियल एयर स्पेस के मैप पे आपको यहाँ पर गुजरात में दिखेगा कच्छ। तो कच्छ मेजरली एक डेजर्ट है, इसको व्हाइट डेजर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये एयरपोर्ट कमीशन हो जाएगा, मतलब ये काम करना शुरू कर देगा बाय 2021 या 2022। उसके बाद जो ये एयरपोर्ट है, पहले से वहां पर एक एयर स्ट्रिप मौजूद है। एयर स्ट्रिप मतलब एक छोटी सी आप कह सकते हो रोड, वो एक प्रॉपर एयरपोर्ट तो नहीं पर काम चलाओ, वहां पर अगर प्लेन को आपको लैंड करना है तो वहां पर लैंड हो सकता है, उसको एयर स्ट्रिप बोलते हैं। तो उसी एयर स्ट्रिप को डेवलप करेंगे, अपग्रेड करेंगे, वहां एक प्रॉपर एयरपोर्ट बनाएंगे। जो गुजरात का कच्छ इलाका, ये काफी अट्रैक्टिव इलाका है टूरिज्म के लिए, तो इस एयरपोर्ट के बनने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुजरात में जो टूरिज्म है वो और बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज, न्यूज नंबर 3। तो आपको पता है जैसे रिसेंटली काफी सारे नोबेल प्राइज, जैसे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन केमिस्ट्री दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया, जो रिसर्च थी, जो रिसर्च का टॉपिक था वो था लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी जिसको आप कहिएगा, आपने देखा होगा लाइन बैटरी, LiOn। तो लिथियम आयन बैटरी ये वो बैटरी है जिससे आपके मोबाइल फोन चलते हैं। आज के टाइम पे मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज पे चलते हैं। और एक चीज, जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कार्स आनी शुरू हुई है वो भी लिथियम आयन बैटरीज को ही यूज करते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज की जो पूरी रिसर्च है, उस रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं उनको ये नोबेल प्राइज दिया गया इस पर केमिस्ट्री का। तो यहाँ देख सकते हैं सेलफोन और इलेक्ट्रिक कार्स का जो मेजर पावर सोर्स होता है वो होता है लिथियम आयन बैटरीज। यूएस के इंजीनियर जॉन बी गुडेनफ, उसके बाद यूके के एक साइंटिस्ट एम स्टैनली विटिंगवेल और अकीरा योशिना जो कि जापान के, ये तीन साइंटिस्ट हैं जो कि डिवाइड करेंगे नोबेल प्राइज का जो पूरा प्राइज बनी है 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को, जो कि होगा 906,000 प्राइज इन डॉलर्स। जो ये अवार्ड है इसको रॉयल स्वीडिश अकेडमी से अवार्ड देगी। एक यहाँ पर फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता था, मैडम मेरी क्यूरी फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने दो नोबेल प्राइज रिसीव किए हैं,
1903 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में और 1911 में उनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं उन तीन साइंटिस्ट की जिनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 में मिला है। नेक्स्ट चीज न्यूज नंबर 4, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अक्टूबर 1st से लेकर अक्टूबर 31st 2019 को इंटरनेशनल, मतलब की पूरी दुनिया में। तो जो ये मेजर इवेंट है इसमें क्या किया जाएगा, फंड्स को रेज किया जाएगा ताकि रिसर्च की जा सके, डायग्नोस किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके इस डिजीज को, ब्रेस्ट कैंसर को। हर साल 1.38 मिलियन न्यू केसेस इस डिजीज के देखे जाते हैं और 4,58,000 डेथ्स हर साल रिपोर्ट की जाती है सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से। और जो ब्रेस्ट कैंसर है इसको माना जाता है मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में वुमेन्स में जो सबसे ज्यादा कैंसर देखा जाता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट न्यूज, न्यूज नंबर 5, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया जेमिनी डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है जेमिनी डिवाइस, ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड और डिजास्टर वार्निंग डिवाइस है। तो ये डिवाइस को डिजाइन किया गया स्पेसिफिकली हमारी कंट्री के मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए, जो कि जब 10 टू 12 किलोमीटर कोस्ट से दूर जाके वहां पर मछली पकड़ते हैं तो वहां ये डिवाइस उनकी हेल्प करेगा। ऐसी कोई चीज अगर कोई वेदर में कोई प्रॉब्लम है, स्टॉर्म आ सकता है, अगर जो सी है बहुत रफ हो रहा है, तो ये सब चीजों में ये हेल्प करेगा हमारी कंट्री के फिशरमैन को। जेमिनी, जिसकी फुल फॉर्म है गगन एनेबल्ड मरीन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेविगेटर्स एंड इंफॉर्मेशन, ये आप यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। और ये जब इनॉग्रेट हुआ था वहां से आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं इस इवेंट। अगली चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया कमांडर स्टैंप ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। तो 87 रेजिंग डे इंडियन एयरफोर्स का कुछ ही टाइम पहले सेलिब्रेट किया, आपको पता है 8th ऑफ अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया 87th रेजिंग डे। तो उसी टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इस स्टैम्प को रिलीज किया जो कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स लेट अर्जन सिंह उनके लिए स्टैम्प को रिलीज किया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने जो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का जो रैंक है लेट अर्जन सिंह को ये दिया गया था 2002 में। इसके अलावा वो फर्स्ट और अकेले 5-स्टार रैंक ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स से। तो वो फर्स्ट पहले और अब तक के अकेले 5-स्टार रैंक ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स के। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो उस इवेंट के जब स्टैम्प को इनॉग्रेट किया जा रहा। लास्ट न्यूज, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनर किया आशा भोसले को विद डॉक्टरेट डिग्री। तो अक्टूबर 7, 2019 को ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ आर्ट्स डिग्री दी है इंडियन सिंगर आशा भोसले को। ये दी गई है क्योंकि जो फील्ड है म्यूजिक की उसमें आशा भोसले का एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अब तक अपना पार्ट दिया, काफी योगदान दिया उन्होंने और वो काफी फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करते हैं आर्ट में, सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए। जो ये अवार्ड सेरेमनी है ये इंग्लैंड में नहीं हो रही थी, अवार्ड सेरेमनी हो रही थी मुंबई के एक होटल में। आशा भोसले ने 2011 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया था जब उन्होंने 20 लैंग्वेजेस में, दुनिया के 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने डिफरेंट सॉन्ग्स गाए थे। उसके अलावा उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है 2000 में और उनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2008 में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, आपको काफी सारे फैक्ट्स काफी सारे न्यूज इस वीडियो से पता लगी होगी। मैं ये वीडियो कोशिश करता हूँ रोज बनाऊ, रेगुलर बनाऊ, आप इस वीडियो को देखें रोज और आपकी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।